हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 10.3 की क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें एक नई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? -a to a fx dx। ठीक है, इसमें लिमिट -a to a है। तो इसमें आपको दो फंक्शन मिल रहे थे, मतलब दो सॉल्यूशन मिल रहे थे, और वो तो सॉल्यूशन डिपेंड कर रहे थे किस पर, जहां पे एक्स वहां पे माइनस एक्स पुट करने पर। अगर आपको माइनस एक्स पुट एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करना हो और वो रिजल्ट वापस से वही फंक्शन हमको दे, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा? उस केस में इंटीग्रेशन था ट्वाइस करना आपको और लिमिट 0 to a करनी है fx dx। आगे इसको सोल्व करनी है, ठीक है। और अगर माइनस एफ एक्स पुट करने पे नेगेटिव फंक्शन आए, मतलब क्वांटिटी वो आए उसका साइन नेगेटिव आए, तो उस केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो, जिसको इवन सॉरी ओड फंक्शन बोल रहे थे। ओड फंक्शन जीरो और ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन आए तो इस फॉर्म में आपको क्रिएट करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखते तो इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले ये जो फंक्शन है ये चेक कर लो, आपको फंक्शन क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर एक्स है। जहां पे एक्स वहां पे माइनस एक्स पुट करो, क्या रिजल्ट मिलेगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर को भूल जाओ आप, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो मैंने लिखा माइनस साइन एक्स। अब ये साइन माइनस जो एक्स था उसका होल स्क्वायर था ना, तो यहां पे होल स्क्वायर करो। अब ये कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी, साइन स्क्वायर एक्स, यानी वापस वही फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन को किस फॉर्म में आपको चेंज करना है? इस वाले में आई इक्वल टू 0 to a, a क्या? पाई बाई टू और एफ एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप लीनियर में चेंज करके कर सकते हो। वन टू कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू फाइंड करके, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 करके, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जहां पे x है वहां पे पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो यहां पे आएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होता है कोस एक्स, स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर एक्स। सेकेंड इक्वेशन, अब इन दोनों को प्लस कर लो, आई प्लस आई टू आई, दोनों को प्लस करेंगे, लिमिट सेम है, आगे दोनों में 2b कॉमन है तो 2 कॉमन लिया मैंने, लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई टू, और इन दोनों को प्लस करने है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आई इक्वल यहां पे dx का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, मतलब x आ गया इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 टू पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो क्या आएगा? पाई बाई टू आएगा, ठीक है। इवन फंक्शन आया है तो आपको इस फॉर्म में इंटीग्रेशन को चेंज करना है और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। वो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लोअर लिमिट माइनस पाई बाई फोर, अपर लिमिट प्लस पाई बाई फोर है। तो सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं, ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? कोस स्क्वायर एक्स है। f माइनस एक्स यानी x के बदले माइनस एक्स पुट करो, क्या आएगा? कोस स्क्वायर माइनस एक्स। अब कोस माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स होता है, उसका स्क्वायर वो भी पॉजिटिव, कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, मतलब वही फंक्शन आपको मिल गया। f माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? fx है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन हो गया। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको आप इस फॉर्म में क्रिएट करोगे, i इक्वल 2 को आगे लिखा, लिमिट लोअर लिमिट को 0 करना है और ऊपर वाले एज इट इज पाई बाई 4 कोस स्क्वायर एक्स dx। अब 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा करते तो साइन स्क्वायर में आ जाता, फिर दोनों को प्लस करते 1 बन जाता, x कर लेते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते। लेकिन यहाँ पे पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई फोर है, तो कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स करोगे तो वो खुद ही एक आइडेंटिटी बन जाएगी। उससे बेटर रहेगा कि आप इसको लीनियर में चेंज कर लो, कोस स्क्वायर एक्स को लीनियर में चेंज करना है, ठीक है। आई इक्वल टू एज इट इज 0 टू पाई बाई फोर, कोस स्क्वायर एक्स है तो क्या आएगा? 1 प्लस कोस 2x बाई टू, 1 प्लस कोस 2x बाई टू dx, ये 2 कैंसिल हो गया। आई इक्वल 1 प्लस कोस 2x dx विद लिमिट 0 टू पाई बाई 4।
अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हमको करना है। आई इक्वल वन का क्या आएगा एक्स आएगा और इसका क्या आएगा साइन टू एक्स अपॉन टू यानी वन बाई टू साइन टू एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई बाई फोर है पुट करेंगे तो आएगा पाई बाई फोर प्लस साइन टू इंटू पाई बाई फोर साइन पाई बाई टू वन वन इंटू हाफ हाफ माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो और ये भी जीरो तो ये आंसर हो गया पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट यहां पे जो आपको फंक्शन रखा है वो रखा है साइन राइज टू पावर फाइव एक्स और कोस फोर एक्स लिमिट क्या है माइनस ए टू ए वाली है ठीक है तो एफ माइनस एक्स पुट करके देखो रिजल्ट कैसा आता है माइनस एक्स पुट करो साइन राइज टू पावर फाइव माइनस एक्स कोस ये सॉरी पावर में है इसका कोफिशियंट नहीं है क्वेश्चन में आप देखना करेक्शन करना था मेरे को पावर फोर है यहाँ पे कोस राइज टू पावर फोर एक्स माइनस एक्स ठीक है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है माइनस साइन एक्स आ गया उसके एक्सपोनेंट ओड है की वन है उसके एक्सपोनेंट ओड है तो उसका नेगेटिव साइन आएगा है ना साइन राइज टू पावर फाइव एक्स कॉस में एंगल माइनस हो चाहे प्लस हो वो पॉजिटिव रहता है यानी कॉस राइज टू पावर फोर एक्स वैसे भी इसके एक्सपोनेंट इवन है ठीक है माइनस एज इट इज ये पूरा क्या है फंक्शन है ना एफ एक्स है यानी एफ माइनस एक्स आपने पुट किया तो आपको आउटपुट मिला माइनस फंक्शन नेगेटिव फंक्शन ठीक है तो इस केस में ये जो फंक्शन था ये कैसा हो गया ओड फंक्शन हो गया एफ एक्स हेयर गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन और अगर ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट यहां पे आपको फंक्शन रखा है एक्स राइज टू पावर टेन साइन राइज टू पावर सेवन एक्स ओके ठीक है माइनस एक्स पुट करो एक्स के बदले क्या आएगा माइनस एक्स राइज टू पावर टेन साइन माइनस एक्स और होल पावर सेवन यहां पे जो नेगेटिव बेस है ना उसके एक्सपोनेंट इवन है तो वो तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी एक्स राइज टू पावर टेन रहेगा लेकिन साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है और ये पॉजिटिव कब हो सकता है जब इसके एक्सपोनेंट इवन हो लेकिन यहां पे सेवन इवन नहीं है ओड है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा यानी माइनस साइन राइज टू पावर सेवन एक्स माइनस और ये पूरा फंक्शन बन गया एफ एक्स ठीक है यानी आपने माइनस एक्स पुट किया तो नेगेटिव फंक्शन मिल गया आपको हेयर एफ एक्स कैसा हो गया ओड फंक्शन। अगर ये ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो आएगा। नेक्स्ट पार्ट ई राइज टू पावर मॉडुलस एक्स मोड के अंदर है एक्स यानी इसकी वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव होनी है मोड की वजह से एफ माइनस एक्स पुट करो पहले ये देखो कि फंक्शन क्या है एफ एक्स वो क्या है ई राइज टू पावर मोड एक्स है ठीक है एफ माइनस एक्स पुट करो क्या आएगा ई राइज टू पावर मोड माइनस एक्स यानी ई राइज टू पावर एक्स ही बनेगा ठीक है मोड के अंदर मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो गया तो ये क्या आ गया वापस वही फंक्शन आ गया। अच्छा अब माइनस एक्स पुट किया तो वापस से वही फंक्शन आ गया इसका मतलब ये इवन फंक्शन है अगर इवन फंक्शन है तो इसको किस फॉर्म में चेंज करना है ट्वाइस करना है अपर लिमिट को एज इट इज लिखना है और लोअर लिमिट को जीरो करना है और जो फंक्शन था उसको लिखना है यहाँ पे मोडलेस एक्स पॉजिटिव है ना तो इसलिए मैंने मोड हटा दिया है ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या आएगा टू ई राइज टू पावर एक्स और ई राइज टू पावर एक्स पे लिमिट जीरो टू वन आई इक्वल टू ई राइज टू पावर वन माइनस ई राइज टू पावर जीरो वन तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में आपको जो फंक्शन रखा है वो क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स है ठीक है पहले इस फंक्शन को ठीक से लिखो ये लॉग एम बाई एन फॉर्म में है ना तो इसका एक्सपेंड करें तो क्या आएगा लॉग एम माइनस लॉग एन आएगा तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिख रहा हूं लॉग एम माइनस लॉग एन ठीक है। अच्छा अब यहां पे अगर मैं एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करूं तो क्या मिलेगा लॉग एक्स के बदले माइनस एक्स टू माइनस यहां पे माइनस एक्स तो वो इसको प्लस करेगा माइनस लॉग 2 प्लस एक्स एक्स के बदले माइनस एक्स तो ये हो गया 2 माइनस एक्स ठीक है। अब ये टर्म तो जो पीछे थी नेगेटिव वो तो पॉजिटिव हो गई आगे और ये जो नेगेटिव थी ये सॉरी ये जो पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो गई है ना अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर से और ये नेगेटिव हो जाएगा
ठीक है। अब ये बन गया log m माइनस log n, log m अपॉन n यानी 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x। देखो फंक्शन वही था लेकिन आगे माइनस आ गया है ना, यानी f माइनस x पे क्या आया, माइनस एफ एक्स आया। तो जो फंक्शन था वो क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जीरो। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट सेवंथ पार्ट, और इसमें आपको जो फंक्शन रखा है उसमें भी लिमिट माइनस ए टू ए वाली रखी है आपको। तो जो फंक्शन है पहले तो वो देखो क्या है, फंक्शन है हमारे पास x राइज टू पावर 99 प्लस x राइज टू पावर 49 प्लस x राइज टू पावर 19। अब इसमें आपको x के बदले माइनस x पुट करके चेक करना है ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है नेगेटिव देता है। माइनस x राइज टू पावर 99 माइनस x राइज टू पावर 49 माइनस x राइज टू पावर 19। देखो बेस में नेगेटिव है और एक्सपोनेंट उसकी अगर इवन होती तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता, लेकिन यहाँ पे ओड है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी माइनस एक्स राइज टू पावर 99 ये भी नेगेटिव, सॉरी ओड है तो नेगेटिव आएगा, एक्स 49 ये भी ओड है नेगेटिव आएगा। यहां से तीनों टर्म नेगेटिव है, माइनस साइन कॉमन ले लो, बच्चा क्या एक्स राइज टू पावर 99 प्लस एक्स राइज टू पावर 49 प्लस एक्स राइज टू पावर 19। प्लस क्यों, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस ये वापस से वही फंक्शन बन गया, यानी आपने f माइनस x पुट किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, माइनस एफ एक्स मिला। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको फंक्शन रखा है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। और अगर कोई ऑड फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर जीरो आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन। ओके, तब तक के लिए बाय।